अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम मुमरा के भोलेनाथ नगर में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दुकान है जिसका नाम है शाह वेलबाई भूरा। यहाँ पे कितने लोगों को राशन नहीं मिला है, उन लोगों की क्या परेशानी है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आपकी क्या परेशानी है? मेरा नाम है कविता। मैं 4 साल से, मतलब मैं 2016 में राशन कार्ड बनाई हूँ, अभी तक मेरे को राशन नहीं मिला है। आज मेरी बहुत कंडीशन खराब है, मैं 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को राशन बोलता है कि आगे से गाड़ी आई नहीं है। अभी 4-5 दिन, अभी मतलब 22 तारीख को भी बोला कि 2-3 दिन में राशन मिलने वाला है, लेकिन अभी तक हमको राशन नहीं मिला। मेरा आदमी बाहर गया हुआ है, हम लोग बाल बच्चे लेके बहुत परेशान में हूँ। राशन के लिए मेरे को बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन हम लोग की कोई सुन रहे ही नहीं है। मतलब किसको बोले, किसको हम लोग मतलब बोल के परेशान हो गए। दुकान वाले भी सीधी भी बात नहीं करते, तो हम क्या करें? अभी इसमें क्या तकलीफ है क्या नहीं है? 7,000 रुपये देके मैंने राशन कार्ड बनाई हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि इसमें क्या तकलीफ है, मतलब कहाँ जाना चाहिए, इसको कैसे चालू करना चाहिए। राशन वाला नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो अभी हम लोग क्या करें? आप देख सकते हैं किस तरह ये 7,000 भर के राशन की दुकान पे, इन्होंने 7,000 भरे थे और ये राशन का कार्ड बना है, लेकिन अब तक उनको कहीं पे राशन नहीं मिला है, ना ही इसमें कहीं भी एंट्री हुई है। यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? मैं अभी 6 साल से चक्कर मार रही हूँ, तो बोल रहा है कि अभी तुम्हारा राशन आया नहीं है। बोलता है आएगा तभी दूंगा बोलता है, लेकिन हमको अभी और बोल देते थे ऑफिस में जाओ, उसका कुछ एंट्री करो, कुछ भी नहीं बताया, आएगा तो मैं दूंगा, बस इतना ही। 6 साल से मुझे कुछ नहीं मिला है। तो अभी जिस तरीके से सरकार ने जो फ्री का राशन दिए थे, वो भी आपको कुछ भी नहीं मिला। हमको पैसे से का भी दो तो वो भी नहीं मिला, पैसे का भी नहीं मिल रहा है। यहीं पे और भी बात करना है लोगों से, आइए बात करते हैं। आपकी क्या परेशानी है और आप क्या कहना चाहते हो? मेरी ये परेशानी, हमारा राशन कार्ड बने बहुत साल हो गए मगर अभी तक राशन नहीं मिला है। अरे फ्री का तो छोड़ो, हम लोग को पैसे से भी नहीं मिल रहा है, और ये भी नहीं बताते तुम्हारे राशन कार्ड में ये मिस्टेक है, इसको ठीक करो। जब तक आप बताएंगे नहीं, हम लोग को पता कैसे चलेगा? आपने राशन की दुकान पे पूछे थे कि आखिर आप राशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्या इसमें कोई मिस्टेक है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोलते इसमें अपडेट नहीं हुआ है, आएगा तो देंगे। यही हमारे साथ स्थानीय चाचा है यहाँ के, आइए उनसे भी बात करते हैं। चाचा आपका नाम क्या और कहना चाहते हैं? बैतुल्ला खान है, मैं सिवली नगर का रहने वाला हूँ। 2015 में 10,000 रुपया देकर राशन कार्ड बना हुआ है, और 2015 में ये दुकान वाले ने 10 बार बुलाया है, हर महीने में अभी मार्च से लेके 2-2 बार बुलाता है, टाइम देता है, उसके बाद आने बोलता है कि तुम्हारे नाम तो राशन नहीं आता है, राशन कार्ड बंद है, तुम लोगों को राशन नहीं मिलेगा। हर महीने अभी पिछले 25 तारीख को बुलाया, 25 तारीख से लेकर 28-29 तारीख तक दुकान बंद है, आज बोलता है राशन नहीं है। अब इसके आप लोग दिखाइए, बताइए, आप लोग समस्या को हल कीजिए। यहाँ पे कम से कम 50% पब्लिक ऐसी है जिसको राशन नहीं मिला पूरे सिवली नगर में। सिवली नगर में 3-4 लाख की आबादी है, यहाँ को कुछ नहीं मिला है, कोई सुनवाई नहीं। जिस तरीके से यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमको राशन नहीं मिला, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 6 महीना हो गया, 5 साल से नहीं मिला है, 1 साल से तो गलत बोल रहे, जिसका बन गया 5-5 साल से राशन कुछ नहीं मिला है, खाली राशन कार्ड लेता है या एंट्री कर लेता है। यहाँ देखो ये राशन कार्ड बना हुआ कभी का, आज तक इस पर कोई एंट्री नहीं है। आप देखिए 2015 में बना हुआ है, 2015 में 10 बार यहाँ ला के पेपर जमा किया, कहीं एक बार ही उन्होंने दिया। मार्च से लेके ये 10 बार मुझको दौड़ाया है ये दुकान वाला, बोलता है आपका नाम का राशन नहीं है। तो आपने सुना यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना था, यही दुकान से इन लोगों ने राशन कार्ड बनाए और यहाँ पे अलाउड हुआ था यहीं से राशन कार्ड, लेकिन फिर भी इन लोगों को राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप बता सकते हैं यहाँ से आपने जो राशन कार्ड सबका बना के दिए, आप राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? राशन का पैसा ऑनलाइन हुआ नहीं है, ऑनलाइन होएगा तो हम देंगे, और जो जिसका मशीन में नाम नहीं आ रहा है उनका भी हम लोग गए महीने में पैसा भरे, APL का 8 वाला और 12 वाला, अभी तक हादसा आजू बाजू की सब दुकानों में माल आ गया, मेरे पास सिर्फ खाली 202 किलो चावल दिया। अभी आप बताओ 202 किलो में बांटूं, बाकी पब्लिक क्या बोलेगी कि माल खत्म कैसे हो गया जल्दी। 2015 में यहाँ के लोगों का राशन कार्ड आपने ही बनाए थे, तो अब तक क्यों नहीं ऑनलाइन हुआ और इन लोगों को राशन क्यों नहीं मिल पाया? हम लोग 10 बार कितना 3-4 बार हम लोग फॉर्म भर के ऑफिस में जमा करा दिए, ऑफिसर लोग ने ऑनलाइन नहीं किए, और ऑनलाइन किए तो उसमें कैसा है, वो NPH बता रहे, ऑनलाइन भी है उनको NPH बता रहे, तो NPH वालों का कैसा, गवर्नमेंट जो महंगा वाला अनाज है वो तो खाली अभी गए मैंने सब उनको स्टार्ट किए, तो गए मैंने हम लोग ने पैसा भी भरे और अभी तक वो अनाज हमको वापस
अभी तक आया नहीं है। तो आपने अपने ऊपर जो ऑफिसर है उनसे बात किया? और दूसरी बात, जबकि मैक कंपनी में राशन कार्ड जितने भी बन रहे हैं वो 20 रुपया या 25 रुपया जितना भी ले रहे हैं, उस वजह से उतने ही फॉर्म का खाली पैसा लेके लोग राशन कार्ड बना रहे, फिर आपने इतना पैसा क्यों लिया, आप बता सकते हो? मैडम मैं तो लेके दूसरे को दिया हूँ बनाने को, वो बता भाई जो दूसरे को दिया उसका नाम क्या है बताएंगे? उसका नाम खालिद भाई करके। अच्छा, तो उन्होंने कितना पैसा लिए राशन कार्ड बनाने? उन्होंने मेरा कितना 6,800 लिए मेरे से। तो आपने उनसे बोला नहीं कि इन लोगों का जो इतने साल हो गए राशन कार्ड बन के, तो अब तक क्यों नहीं उन लोगों का ऑनलाइन हुआ है? हम लोग इतना पहले वो नॉलेज था ही नहीं कि कितना लेते हैं कार्ड का कितना नहीं लेते। फिर आपने राशन दुकान क्यों खोल के रखे जब आपको नॉलेज ही नहीं? कार्ड बनाने का पैसे का नॉलेज है वो हमको, क्यों लिया जब आपको नॉलेज नहीं है? पहचान वाले थे इसके लिए ले लिया, पहचान वाले ने बोला भाई इनका कार्ड बना के दे देना, और भाई मैं भाई को खालिद भाई को पूछता हूँ बनाएंगे तो उनको दे दूँगा। तो आपने सुना किस तरह से ये राशन की दुकान पे ये राशन दुकान के जो दुकान पे जो काम करते हैं और इस ऑफिसर जो है जो राशन बांटता है उसका क्या कहना है? जब इनको नॉलेज नहीं था तो राशन कार्ड यहाँ के स्थानीय लोगों का इनको जरूरत क्या थी? जिस तरीके से ये नाम बोल रहे थे खालिद भाई बोल के, जिन्होंने इन लोगों से 8,000 रुपया लिए, और कुछ इधर के स्थानीय लोगों का कहना है हमने 10,000 दिए, कोई कहता है 8,000 दिए राशन कार्ड बनाने का, और इनको नॉलेज न होने के बावजूद भी ये किसी दलाल को राशन कार्ड बनाने के लिए दिया गया, जबकि मैक कंपनी में राशन कार्ड फ्री में बनाया जा रहा है। और अगर दिए जाने के बाद भी इन लोगों को आज 2015 से जब इन लोगों ने राशन कार्ड बनाए तो इनको राशन क्यों नहीं दिया गया? हमने जब इस राशन दुकान के वाले से बात की है तो उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है, अब तक क्यों नहीं ऑनलाइन हुआ, हमने ऑफिसरों से भी बात की है। यही हमारे साथ समाज सेवक मुंडे मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते। आप क्या बताना चाहते हो, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि हमको इतने सालों से राशन नहीं मिला, इस पर आप क्या कहोगे? अभी जो मसला शुरू है हमारे बोलनाथ नगर में, ये एरिया का नाम है बोलनाथ नगर, TMC का है ये एरिया है। यहाँ पर हमारे साथ में दुजाभाव हो रहा है पहली बात, क्योंकि जो अभी यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पर तो गलती मैं बोलूँगी केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार की भी है। सबसे पहली बात, आपको जब ऐसे गंभीर हालात में जब आपको राशन देना था पब्लिक को राशन जब देना था तो आपको हर रेशन का को देना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने क्या कि जिनका अपडेट है उनको ही रेशन मिलेगा, अपडेट नहीं उनको नहीं मिलेगा, और ये बात लोगों को मालूम नहीं थी अब तक के। फिर भी लोगों ने एडजस्ट किया, वेट किया, पैशन रखा, लेकिन अभी दो महीने बीत चुके लॉकडाउन को, अब तक हमारे भोलनाथ नगर में जो रेशनिंग का आने वाला था 12 रुपये किलो चावल और 8 रुपये किलो गेहूँ, ये रेशन अब तक हमारे एरिया में आया नहीं। तो ऐसा दूजा भाव हमारे साथ में रेशनिंग अधिकारी क्यों कर रहे हैं? कौसा में रेशनिंग आया है, खड्डी गांव में आया है, वहाँ पर आगे भी आया है। तो हमारे भोलनाथ नगर में मैं कहना चाहूँगा यहाँ इंसान नहीं रहते? आपने जब वहाँ आगे तक रेशन तुम्हारा गया है जो बिकत लेना है, पब्लिक बिकत लेने को भी हमारी पब्लिक तैयार है। सब देखो यहाँ पर जो लेडीज महिला वर्ग खड़ी है बेचारे परेशान है, 2 महीने से आते हैं और रेशनिंग वाला क्या बोलता है कि 4 दिन रुको, 8 दिन रुको, 10 दिन रुको, लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन कब तक वेट करेंगे? अभी तो बारिश शुरू होने में है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा दुजाभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो अधिकारी जो है तांबे साहब को आप लगातार फोन कर रहे हैं, मैंने खुद कॉल किया मैम कि आप तांबे साहब यहाँ ख्याल करो, यहाँ पर रेशनिंग नहीं आ रही हम लोग पब्लिक को। और तांबे साहब ही है कि हमको आश्वासन दे रहे हैं कि 4 दिन रुको मुंडे, 5 दिन रुको, हम रेशन भेज रहे हैं, लेकिन अब तक रेशन नहीं आया। तो इसमें बताइए पब्लिक कहाँ जाएगी? तो आपने बात किए थे ऑफिसरों से कि यहाँ पे 2015 से राशन कार्ड बने हैं लोगों का, लेकिन यहाँ जो राशन दुकान है वो नहीं दे रहे राशन, अब तक यही बोला जा रहा है कि ऑनलाइन नहीं हुआ, तो उनसे ये बात किए थे आपने? हाँ मैंने किया है, ऑनलाइन नहीं हुआ। इस बात को देखो, इस पे गलती हमारी भी है, हमारी भी गलती है। जब हम अपडेट करना था लोगों ने किया नहीं, तभी नज़रअंदाज किया इस बात को, तभी लोगों को किसी को इसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था कि इम्पोर्टेंस ये अपडेट करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, लोगों ने नहीं किया। अभी लॉकडाउन में इसकी अहमियत समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जब रेशन दिया है तो रेशन होल्डर्स ये सब रेशन कार्ड ही है ना, अपडेट हुआ या नहीं हुआ है ये तो आपने इशू किया, गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने रेशन कार्ड बनाया है ना, हमने तो घर से नहीं बनाया, तो आपको इनको भी रेशन देना चाहिए, और हम बिकट लेने को भी तैयार है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं रेशन भेज रहे हो? ये यहाँ पर गलती अधिकारी की है, इनको इनकी
मतलब इनकी आप खुद जाके जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हमने तांबे सर से फोन पे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, नहीं मिले, तो क्या आप ऑफिस जाके उनसे मिले थे? उन्होंने क्या जवाब दिए तांबे सर? उन्होंने जवाब दिया है कि रेशनिंग आया नहीं है, अभी शॉर्टेज है, रेशनिंग जैसे भी आएगा मुंडे हम भेज देंगे। वसी भाई ने भी सुना है, मैंने जो बात किया है इन्होंने भी सुना है कि आपको भेज रहे हैं हम लोग रेशनिंग, लेकिन सर कभी भेजोगे? पब्लिक कहाँ जाएगी? और यहाँ पर तो हमारी पूरी एकदम लोअर लेवल की पब्लिक रहती है, पब्लिक कहाँ जाएगी? आप काम धंधा भी नहीं है, लोग घर में बैठे हैं, कहाँ से लाएंगे बिकत? जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे राशन कार्ड को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारे को इस पे भी राशन नहीं मिला, तो ये जो राशन आता है इस दुकानों में, तो वो राशन जाता कहाँ है? Yes. अभी ये भी एक बड़ी बात है, जब रेशन कार्ड इशू किए हैं तो इसका एंट्री तो गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, रेशनिंग ऑफिस में, तब जाके जितने रेशन कार्ड बने उसके ब्लैक भी होता है। रुको, जब रेशन कार्ड बनता है तो उसका एंट्री वहाँ होता है और उसके मुताबिक ही रेशन यहाँ भेजा जाता है, गवर्नमेंट भेजती है। तो ये काम तो अभी गवर्नमेंट का है और पुलिस डिपार्टमेंट का है कि इसी छानबीन करे, और ये रेशनिंग जो इनके हिस्से का आया था वो अब तक इनको मिला नहीं है, तो रेशन कहाँ गया? ये छानबीन भी होनी चाहिए, ये जरूरी है, और जो भी इसमें गलत कुछ व्यवहार हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे राशन दुकान में चल के, जो स्थानीय लोगों का राशन आता है तो वो राशन जाता कहाँ है, इस पर उनका क्या कहना, आइए उनसे भी बात करते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जब राशन आता है तो वो राशन जाता कहाँ है, और आपके पास कितने कार्ड यहाँ पे शो करते हैं कि उतने लोगों का ही राशन यहाँ पे आता है, बता सकते हैं? मेरे पास 416 कार्ड है, 416 कार्ड का ही अनाज आता है और सब कार्ड वाले लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका अंगूठा लगता है, फिंगर अंगूठा उनका है, तो अंगूठा मार के तो उनको जाहिर सी बात है उनको लेके जाना ही है। लेकिन कितने लोगों का अभी यहाँ पे कहना है कि हम लोगों को एक महीने से राशन नहीं दिया गया, तो वो राशन गया कहाँ इन लोगों का? वो APL का माल ही नहीं आया, APL का माल ही नहीं आया, जो 8 वाला गेहूँ था, 12 वाला चावल था, वो माल ही नहीं आया, तो वो माल हम मैं कहाँ से बेचूंगा, मेरे पास आया ही नहीं है। लेकिन मुमरा में हर जगह राशन मिला है सबको, तो आपकी दुकान पे आप कैसा कह रहे हैं कि अभी तक राशन? अभी हमारी दुकान में नहीं आया, नंदा पाटिल की दुकान में माल नहीं आया, शिलपाटे की दुकान पे अभी तक उसके पास दाना नहीं आया। तो आपने ऑफिसरों से बात की? बात करते बोलते गाड़ियाँ भर रही है, बोलते एक्सेशन तारीख खत्म हो गई है, आज तारीख बढ़ के आएगी तभी तुम्हारे पास माल आएगा। टोटल कितने कार्ड है? 920 कार्ड है। तो जो 920 कार्ड में से कितने लोग का आपने राशन बांटा? 416 कार्ड को। तो फिर इतने जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उनका ऑनलाइन में नाम नहीं है मैडम। ठीक है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कितने लोगों का ऑनलाइन में नाम नहीं है, इस वजह से राशन नहीं मिला, लेकिन कितने लोगों का ये कहना है कि हमारे हर महीने हमको राशन मिलता था लेकिन एक महीने से हमको राशन नहीं मिला? उनका कार्ड आप चेक करो। लेकिन इससे पहले तो उनका राशन मिलता था, फिर ये महीना राशन के हिसाब से मशीनें बंद बता रही है कार्ड। हमने जिस तरीके से राशन दुकान पे बात किया कि आखिर इतना राशन आता है तो राशन जाता कहाँ है, इस पर हमको कोई भी सही तरीके से जवाब नहीं मिला। यहीं पे यहाँ के जो स्थानीय महिला है उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? हमारा राशन कार्ड है मगर राशन कार्ड पे आज तक हम लोग को राशन नहीं मिला, मगर ब्लैक से ये देता है, मैं खुद खरीदती हूँ, मैं ये बोलती जब हमारे राशन कार्ड पे राशन नहीं आता तो ब्लैक करने के लिए इसके पास गवर्नमेंट कहाँ से भेजती है? लेकिन राशन जिस तरीके से राशन की दुकान पे हमने जब बात किया तो वो कहता है कि हमारे पास 920 लोगों का राशन कार्ड है, उसमें हम सबको राशन देते हैं। नहीं, हमें तो आज तक नहीं मिला। तो देखो हमारे कार्ड पे देखो, लिखा रहेगा ना जब राशन मिलता है, तो जब हम लोग को 26 रुपया किलो चावल देता है, 20 रुपया किलो गेहूँ देता है, दाल देता है, ये राशन उनके पास कहाँ से आता है? ये खुद मतलब खरीद के बेचता है कि गवर्नमेंट के तरफ से, मतलब ये राशन कहाँ से आता है उनके पास? जिस तरीके से आपका कहना है कि जो बाकी का जो राशन बचता है वो ब्लैक करता है, तो आपने देखा इनको ब्लैक करते? हम लोग खुद खरीदे, हम लोग 4 साल से हम लोग वही राशन उनके राशन से खा रहे, क्योंकि हमारी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम लोग इतना महंगा महंगा राशन लाके खाए, हम लोग वही 20-25 रुपए में वही दुकान से राशन लेके खाते। तो यही बात से हम लोग को चीड़ हो रही है, जब हम लोग को आज राशन कार्ड पे राशन नहीं मिला, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से लाएंगे अभी पैसा? ये महीना नहीं मिला या उससे पहले मिलता था? नहीं, कभी नहीं मिला, कभी नहीं। 4 आपको मैंने कार्ड दिखाई ना, 4 भी नहीं मिला, 4 भी नहीं मिला। फिर से आप देख लो कि ये 2016 में बना हुआ है, इस पे एक भी बार एंट्री हुई है क्या? आप देख सकते हो एक भी बार एंट्री हुई है क्या? देखो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, किसी का साल से कोई 5 साल, मेरा 6 साल। हम लोग ब्लैक से राशन खरीद रहे, तो ब्लैक से जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अरे हम लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? अरे ये एरिया में क्यों राशन नहीं आ रहा है, कारण क्या है?
कि यहाँ पे इंसान नहीं रहते, क्या करना चाहिए? मतलब कुछ तो, मतलब अभी हम लोग बड़े ऑफिसर से बात कर रहे हैं, वहाँ से भी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? अभी ऐसी कंडीशन आ गई है, कुछ मेहनत मजूरी भी करके नहीं खा सकते, ना किसी के घर पे मांगने के लिए भी नहीं जा सकते, रिश्तेदारों के अगवा भी नहीं जा सकते, तो अभी हम लोग करें क्या? यही हमारे साथ बात करने के लिए और एक जन है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? जिस तरीके से जिस तरीके से राशन दुकान पे लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहोगे? राशन, ये तो यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर हैं, यहाँ का जो लोकल राशनिंग ऑफिसर है, उसका काम है गवर्नमेंट के जो भी अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से लोगों के राशन कार्ड को अपडेट करना, और उसने अभी तक कुछ नहीं किया। और यहाँ पे इन लोगों का बोलना है कि राशन कार्ड जो पे राशन नहीं देता है लेकिन ब्लैक से राशन देता है, तो आखिर कहाँ से ब्लैक से राशन देता है? और कोई भी गवर्नमेंट के राशन के दुकान में, ये रिटेल में कोई भी कैश में नहीं बेच सकता है, ये इसको अलाउ ही नहीं है कि कैश में ये बेच सके, मतलब मार्केट से भी खरीद के नहीं बेच सकता है, क्योंकि ये राशन का दुकान गवर्नमेंट का दुकान है। दूसरा, मैं चार दिन से इधर से गुजरता हूँ, लोग लाइन लगा के बैठते हैं और ये राशन की दुकान नहीं खोलता है, और बोलता है कि राशन जो है आया नहीं, राशन आया नहीं, राशन यहाँ पर तीन दिन पहले आया है, तीन दिन से ये दुकान बंद रखा था, आखिर क्यों दुकान बंद कर? आपने वजह पूछे थे राशन आने के बाद भी क्यों राशन की दुकान बंद किया? ये सबको एक ही बोलता था कि राशन नहीं आया है, सबको एक ही बात बोल रहा है कि राशन नहीं आया, और किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था और यहाँ पर आता नहीं था। आज सुबह जब मैं इधर से गुजरा हूँ, कुछ लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, तो मैं पूछा क्यों बैठे हो आप लोग, तो बोले कि राशन की दुकान नहीं खोल रहा है, हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाता है। तब मैंने आप लोगों को फ़ोन किया, मीडिया को फ़ोन किया कि आप इधर आओ और देखो लोगों को क्या तकलीफ है, चार चार पाँच पाँच दिन से लाइन लगा रहे हैं और ये राशन की दुकान नहीं खोल रहा है। तो ये हर महीना इसी तरह करता है या आज? हमेशा का इसका यहाँ के कुछ लोगों से इसकी मिली भगत है और उसमें ये राशन इधर से उधर करता है। मुमरा भोलेनाथ नगर से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।